के देव महादेव फेम टीवी एक्ट्रेस सोनालिका भदौरिया अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर है। टीवी सीरियल से उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। इतना ही नहीं, देवों के देव महादेव शो के जरिए उन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया है। हालांकि शो के बाद सोनालिका अपने बोल्ड फोटो शूट की वजह से खूब सुर्खियों में आई थी। अब एक बार फिर सोनालिका चर्चा का विषय बन गई हैं। हालांकि इस बार वो किसी फोटो शूट या किसी टीवी सीरियल की वजह से नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गई हैं। टीवी एक्ट्रेस ने बिजनेसमैन विकास पाराशर के साथ अपने रोका सेरेमनी की झलक फैंस के साथ शेयर की है। सोनालिका ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोका सेरेमनी की कुछ तस्वीरें पोस्ट की है। इन तस्वीरों में सोनालिका और उनके मंगेतर विकास समुद्र के रोमांटिक बैकग्राउंड के साथ पोज दिए हैं। अपने इस खास दिन पर पिंक कलर के सीक्वेंट को ऑर्डर सेट में टीवी अदाकारा बेहद खूबसूरत लग रही थी। वहीं उनके मंगेतर फुल व्हाइट सूट में काफी हैंडसम लग रहे हैं। रोका सेरेमनी की कुछ तस्वीरों में सोनालिका और विकास केक काटते दिख रहे हैं। सोनालिका ने अपने फैमिली के साथ भी एक फोटो शेयर की है जिसमें सभी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है। रोका सेरेमनी की फोटो को शेयर करते हुए टीवी एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा 3/12/2022 मेरी पूरी जिंदगी के लिए मेरा पूरा दिल मुझे जिंदगी भर का तोहफा मिला इस आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी हूँ हैप्पी हैप्पी रोका लव। यहाँ हम आपको बता दें कि साल 2011 में टीवी शो तुम देना साथ मेरा से सोनालिका ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हालांकि खास तौर पर वो देवों के देव महादेव में देवी पार्वती की भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं, जिसमें मोहित रैना ने भगवान शिव की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एक्ट्रेस ने साल 2015 में तेलुगु फिल्म फ्लिक जादूगाडू में नजर आई थी। इसके बाद साल 2018 में सोनालिका ने हिंदी टीवी शो में वापसी की और आखिरी बार इश्क में मरजावा में दिखाई दी थी। आपको एक्ट्रेस सोनालिका की रोके की तस्वीर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।